नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं शरद बाघेला। एक्सप्रेस स्पेशल में देखते हैं आज की खास खबरें। बात करते हैं अजमेर की, जहां पर कोपरा हाई स्कूल में पढ़ने वाले स्कूली छात्रों ने स्कूल का बहिष्कार कर दिया है। मंगलवार को छात्रों ने स्कूल के सामने बैठकर विरोध प्रदर्शन किया और स्कूल भवन पर ताला भी जड़ दिया। छात्रों ने बहिष्कार करते हुए मांग की है कि जिन शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है उन्हें वापस भेजा जाए। जन शिक्षक जगदीश झाड़े ने बताया कि बच्चों में स्थानांतरण को लेकर नाराजगी है और शिक्षकों को वापस बुलाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये खबर बैतूल के आजमेर से है, जहां पर छात्रों द्वारा स्कूल का बहिष्कार किया जा रहा है। यहां पढ़ने वाले हाईस्कूल के बच्चे हैं, उन्होंने बहिष्कार किया है और मंगलवार को छात्रों ने स्कूल के सामने बैठकर विरोध प्रदर्शन किया और स्कूल भवन पर ताला तक जड़ दिया। आपको बता दें कि छात्रों ने बहिष्कार करते हुए ये मांग की है कि जिन शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है यानी कि ट्रांसफर किया गया है उन्हें वापस बुलाया जाए। जन शिक्षक जगदीश झाड़े, उन्होंने ये कहा है कि बच्चों में स्थानांतरण को लेकर काफी नाराजगी है और शिक्षकों को वापस बुलाने की मांग की जा रही है। हमारे साथ आसन से विजय प्रजापति जुड़ चुके हैं, स्वराज संवाददाता। विजय, जिस तरह देखा जाए कि एक अलग ही चीज यहाँ देखने को मिल रही है कि जो बच्चे हैं तमाम अलग अलग मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हैं, स्कूल का बहिष्कार करते हैं, लेकिन यहाँ एक अलग उनकी मांग है कि जो शिक्षक है उनको वापस बुलाने की मांग की जा रही है। आखिर क्या कुछ खास उन शिक्षकों में था जिसको लेकर बच्चे इतनी उत्सुकता से उनको वापस अपने ही स्कूल में बुलाने की कवायद करने के लिए जुट गए हैं? जी सरज जी, बता दूं आपको कि ये जो यहाँ पे कोपरा हाई स्कूल के जो बच्चे हैं, हाई स्कूल प्रांगण में जो बैठे हैं, इन बच्चों को जो शिक्षक दुरीचंद हारोड़े है, इनका स्थान परिवर्तन होने के कारण बच्चे लोग विरोध कर रहे हैं। शिक्षक का जो कार्यकाल देखा जाता है और बच्चे बताते हैं कि शिक्षक जो हमें अच्छे से पढ़ाते थे और एक फ्रेंडली व्यवहार था उनका, इसके कारण आज बच्चे उनका समर्थन कर रहे हैं और उनको दोबारा से ही कोपरा स्कूल में वापस पदस्थ करने की मांग कर रहे हैं और ये मांग आज तक के जारी है। अभी वर्तमान में पानी आ रहा है, इसके बावजूद भी यहाँ पर बच्चे लोग अपना मांग कर रहे हैं कि शिक्षक हमारा यहाँ पे पूर्व पदस्थ जो थे दुलीचंद हारोड़े जी, वो यथास्थिति हमें अध्ययन करवाते रहे और यहीं पर रहे। मुझे क्या लगता है कि उन शिक्षक का क्या नाम है और वो अजमेर से उनका ट्रांसफर कहाँ कर दिया गया है जिसके कारण छात्र विरोध कर रहे हैं? सरज जी, मैं बता दूं आपको कि जो शिक्षक दुलीचंद हारोड़े जी है, इनका भीमपुर ब्लॉक अजमेर से ट्रांसफर कर दिया है और जिसको लेकर के बच्चे नाराज दिख रहे हैं और अपने शैक्षणिक योग्यता को मद्देनजर रखते हुए और जो बच्चे वहां पर वर्तमान में अध्ययन कर रहे थे उनसे एक शिक्षक के प्रति एक लगाव था, एक अच्छा अध्ययन कराते थे वो बच्चों को, इन सभी को देखते हुए बच्चों ने आज विरोध करा है और लगातार ये दो तीन दिनों से विरोध जारी है। आज अभी जानकारी आई है कि वहाँ पे बीओ बीआरसी और एसी ड्राइवर के अधिकारी भी वहाँ पे पहुंच रहे हैं। बच्चों का क्या कहना है इस बारे में और साथ में जो जिला शिक्षा अधिकारी की बात करें तो उन तक ये बात पहुंची या नहीं पहुंची? शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बात करें तो उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया नहीं लिया, या क्या कुछ अपडेट इस बारे में है कि बच्चों की जो हड़ताल है वो समाप्त की जाए और साथ में जो चाहते हैं जो शिक्षक जिनकी डिमांड जो बच्चे कर रहे हैं जिनकी पढ़ाई से वो काफी खुश है वो उनको उनके पास आ जाए, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आया है? जी मैं बता दूं आपको कि जिला शिक्षा अधिकारी से जब फोन लाइन पर चर्चा की गई तो उन्होंने इस बात का कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और अभी जो वहाँ के सीएससी है जगदीश झाड़े जी, जब उनसे चर्चा की गई तो उन्होंने बताया है कि एसी ट्रैवल के अधिकारी, प्रभारी प्रचार और बीओ बीआरसी सहित सभी उच्च अधिकारी वहाँ पर रहे निरीक्षण करेंगे और जो भी ऐसा संभव जो भी स्थिति बनती है उस हिसाब से निर्णय लेकर के शिक्षक को पुनः वापिस बुलवाने की मांग करेंगे। बच्चे क्या कह रहे हैं, बच्चों की क्या क्या बात कर रहे हैं बच्चे, जैसे कि शिक्षक नहीं आए हैं और तमाम तरह के जो अधिकारी हैं आ रहे हैं, बीआरसी आ रहे हैं, उनके सामने बच्चे अपनी क्या उम्मीदें लेकर पहुंचे हैं और उनकी क्या डिमांड है? क्या यदि मान लीजिए जो अधिकारी है वो किसी दूसरे शिक्षक को वहां पदस्थ कराना चाहते हैं तो क्या बच्चों का उस बारे में क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? बच्चे दूसरे किसी अन्य शिक्षक को नहीं पदस्थ करवाना चाह रहे, सिर्फ उन्हें दुलीचंद हारोड़े जो शिक्षक वहाँ पे पहले से पदस्थ है उन्हीं को वो वापिस बुलवाना चाह रहे हैं और इसके अलावा बच्चों का और कोई रवैया नहीं है। बस हमारे जो पूर्व शिक्षक है हारोड़े जी वो अपने पदस्थ पद पर पुनः पदस्थ हो जाए, यही मांग कर रहे हैं बच्चे लोग।
चलिए जाने की जिला शिक्षा अधिकारी ने इस बारे में कोई बातचीत नहीं हो पाई। और साथ में यदि विभाग की बात की जाए, क्योंकि दो दिन हो गए और तीसरा दिन आज है, दुलीचंद हरोले को बच्चे वहां बुलाना चाहते हैं, और हम परिजनों की बात करें, बच्चों के परिजनों की बात करें, तो उनसे अगर आपने बातचीत की होगी तो उनका क्या कुछ कहना सामने निकल कर आया है? परिजनों का भी कहना यही है कि शिक्षक बच्चों के प्रति एक फ्रेंडली व्यवहार रखते थे, दोस्ताना का नाता था उनका, और उनकी जो पढ़ाने की जो शिक्षा देने की शैली थी वो एक शिक्षक के हिसाब से नहीं देखी जा सकती, एक बड़े भाई के हिसाब से, एक पिता के हिसाब से उनके पढ़ाने की शैली थी। इसलिए बच्चे लोग और पालक लोग भी उनका समर्थन कर रहे हैं और शिक्षक को दोबारा से संस्था में वापिस बुलाने की मांग कर रहे हैं। जी चलिए, मुझे इस जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि एक शिक्षक जो बच्चों के साथ काफी फ्रेंडली व्यवहार से पढ़ाते हुए आए हैं और अब उनका ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके कारण छात्र काफी नाराज है और दो तीन दिन से लगातार वो धरने पर इसलिए बैठे हैं कि उनके वही प्रिय शिक्षक वापस उनको स्कूल में आए और वापस उसी तरह की पढ़ाई शुरू हो जाए।